काफ़ी समय के बाद हम लोग अभी घर जा रहे हैं, पिकनिक से लौट रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर लोग पार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सामान पकड़ के लोगों को कष्ट हो रही है, ठंडा का मौसम है, फिर भी हम लोग पार हो रहे हैं। देखिए काफ़ी समय हो चुका है, रात ढलते जा रही है। देखिए ठंडा का मौसम है, फिर भी हमारे कैसे पार हो रहे हैं। देखिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग नदी के उस पार से इस पार आए थे, यहाँ पर गए थे। इधर जो कि बोलते हैं शंख नदी के थोड़े ही दूर में ये जगह है जहाँ पर अच्छे से। रोहित हेलो, तो रोहित ऑडियंस जानना चाहती है कि आपको पिकनिक मनाने में कैसे लगा, तो बताइए। लगा नहीं, बहुत लगा, इतना लगा कि बहुत लगा। तो रोहित बोलिए आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा। ऑडियंस जानना चाहती है कि आपको कैसे लगा? हम लोग खाए बॉयलर और सलाद गाजर का, नाश्ता किए और जैसे नाश्ता कैसा होता है, मैगी का पास्ता ऐसे नाश्ता किए। हाँ तो काफ़ी खुश हो ऐसे लगता है। इतना बहुत। हाँ तो गाइस मिलते हैं आगे नदी के उस पार होकर, तो अभी थोड़ा देर के लिए आगे जाके बात करते हैं। सो बने रहे वीडियो में अंत तक। सो गाइस देखिए हम लोग पार हो रहे हैं नदी के उस पार जा रहे हैं घर जा रहे हैं। काफ़ी कष्ट के बाद दीदी को देखिए कैसे तावल बिठाई है और उसमें पार हो रही है। आगे देखिए सुलोचनी, इसका नाम है, जो कि हमीलो की बहन है, ये भी आई हुई थी पिकनिक मनाने। इसको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नदी के उस पार होते थे। हम तो भीग गए। नदी का पानी बहुत ही तेज एवं गड्ढा होने से हम लोग भीग गए। तो क्या करें यार, भीगना तो पड़ेगा ही, आखिर नदी के उस पार ही तो गए थे। तो गाइस हम लोग नदी के इस पार आ चुके हैं, काफ़ी शाम हो चुकी है। देखिए यहाँ सब बहुत डरों की बात है। तो हम लोग यहीं वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप लोग की तरफ अगर कोई जाता है पिकनिक तो बताइएगा आप लोग कैसे पिकनिक मनाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।